मौसम विभाग ने 21 से 24 सितंबर के बीच आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर तहसील के छत पर आपदा प्रबंध विभाग द्वारा ऑटोमेटिक बेथर मशीन लगाया गया है, जो पल पल मौसम की जानकारी देता है। जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी गौतम गुप्ता के अनुसार मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट की जानकारी मशीन द्वारा होती रहती है, जिससे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं होने पाए। टेम्परेचर 29.29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको फील हो रहा है 33 डिग्री। ये फीलिंग है, हीट इंडेक्स है, वो आपको फील हो रहा होगा कि 33 डिग्री के हिसाब से, लेकिन है एग्जैक्टली 29 डिग्री टेम्परेचर बाहर का। एयर जो चल रहा है, एयर का ये जैसे जैसे हवा का प्रेशर चेंज होता जा रहा है, वो सारी चीज़ों को दर्शा रहा है। अभी जब ये जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में ये हवा बह रही है, थोड़ी देर बाद ये हवा ईस्ट की दिशा में बहना शुरू हो जाएगी, तब फिर ये इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी हवा की। अब देखिए बढ़ी ना स्पीड, जैसे ये बढ़ती जा रही है, कितनी, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की, प्रति घंटे की रफ्तार को दर्शा रहा है। अभी जैसे इतना दिन जैसे जैसे ये बढ़ता घटता रहेगा, यही मौसम का ये पूरा ये लेगा। देखिए अभी जैसे घट गया, फिर बढ़ गया, इस तरीके से जितनी हवा की स्पीड होती जाएगी, तुरंत ही मशीन उससे अपडेट कर जाएगा। ये वायरलेस वहाँ से अटैच्ड है, एलिमेंट होगा इस समय। जो विंड स्पीड है, अभी थोड़ी देर पहले जो हवा का रुख था वो नॉर्थ ईस्ट था, धीरे धीरे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आते हुए अब ये हवा का रुख ईस्ट की ओर होने जा रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ना, ये ईस्ट की तरफ इसका पोर्शन सर्कुलेट कर रहा है। तो जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती जाएगी, इसका जब ये ईस्ट की दिशा में आ जाएगा, तब इसकी हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही साथ कितनी वर्षा होगी, जो अभी तक का जो अनुमान निकल के आ रहा है, 20 से 22 मिलीमीटर वर्षा का अनुमान निकल कर के आ रहा है, यह इसके साथ चलेगा। और कल तक ये थोड़ा सा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिसमें अनुमान है कि तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अलर्ट भी जारी किया गया क्या? हाँ, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, और समस्त विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति में वे सतर्क रहें। और साथ ही साथ अन्य जिलों के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, ताकि जिस तरफ से इस तरह की हवाएं आ रही हैं, तो हम उनके साथ भी, अभी जैसे देवरिया में ये स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे इस तरफ की ओर जो बढ़ रहा है, तो ये पोर्शन हम लोग लेते जाएंगे। इसमें दोनों में दो mm पानी आता है, ये जब यहाँ से ठीक करेगा ऐसे, तो ये इसमें फिर इसमें पानी भरेगा, तो इसमें भरने के बाद यहाँ से आएगा, और यही पानी सीधे यहाँ नीचे गिर के इस मशीन के थ्रू बताएगा कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। इसलिए इस कैप को लगाया जाता है ताकि पानी इकट्ठा हो सके इस एरिया में।